मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा ये जो सेशन है ये आप लोगों का SCERT जो आप लोगों की स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती है और NCERT दोनों पर आधारित है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि कभी आयोग कहता है कि SCERT से देंगे, कभी कहता है NCERT से देंगे, प्लस आप लोगों को काफी सारा जो नॉलेज है फ्रेंड्स SCERT और NCERT का एक जैसा भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो फैक्ट्स है वो तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए वो एक जैसे ही होने वाले हैं, बट फिर भी क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दोनों ही बुक से बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक सवाल भी है जो मैं आप लोगों से बीच में पूछूंगा भी आज के सेशन के अंदर में, ठीक है? अगर आप लोगों में से मैक्सिमम लोग उसके लिए एग्री रहेंगे तो हम वो इनिशिएटिव भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग फ्रेंड्स इस सेशन को जहां जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से इस सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर में भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स के कारण, आप लोगों के रिस्पॉन्स के कारण ही बहुत ज्यादा एक ऊर्जा मिलती है और आप लोगों के लिए सेशंस लेने के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, देखिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन बोला गया है फ्रेंड्स भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। आप लोगों का सेवन स्टैंडर्ड की जो बुक है उसके अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है, सातवीं कक्षा की पुस्तक के अंदर में भी ये पॉइंट दिया हुआ है भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। और मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे प्राइमरी वाले हैं ना उन लोगों को पता होना चाहिए, उनसे बोला गया है कि भाई एक लेवल ऊपर का ही पढ़ना है आप लोगों ने आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर, मैं 96% हो चुका है अभी यहाँ पर मैं बच्चे आंसर कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे आप डेट के साथ में आंसर बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है? डेट भी बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कि डेट कौन सी थी, डेट बताइए जल्दी से, ठीक है? डेट बताइए, वेरी गुड। चलिए कुछ लोगों ने यहाँ पर मैं डेट के साथ में भी आंसर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था, इसी वजह से हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वाली बात आप लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों में से काफी सारे लोग कहते हैं कि सर प्लीज हमें आर्टिकल्स भी याद करवा दीजिए, तो फ्रेंड्स आर्टिकल जो है ना जहां जहां मौका मिले वहां वहां पर मैं आर्टिकल्स को याद करते रहना चाहिए आप लोगों ने, तो याद हो जाते हैं चीजें फिर आपकी। यहां पर मैं आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 324 जो है वो चुनाव आयोग से डील करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? आर्टिकल नंबर 324 लिख दो सभी लोग कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सारे 500 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स सेशन के स्टार्ट होते से ही, और 1000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं जब मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को भी। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर मैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोगों का, और यहाँ पर मैं ऑप्शन इधर में दिए हुए आप लोगों के, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग बताओगे मुझे कि भाई लोग सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड कौन सी वाली पर्वत श्रृंखला आपको कहाँ पर में मिलेंगी, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने भी इसका आंसर कर दिया मान जाएंगे उसको, क्योंकि ये मतलब उसने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत अच्छे से यहां पर में की हुई है। कोशिश करो, वैसे मैंने पोल भी दे दिया आप लोगों को, आप लोग कमेंट में भी आंसर कर सकते हो, सूची एक तथा सूची दो का सुमेल लिख कीजिए तथा सही उत्कुट का चयन कीजिए। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अरावली की आप लोगों की, अरावली कहां पर में है, सबसे सिंपल सी चीज, अगर मैं अरावली को ही पकड़ू यहां पर मैं, तो अरावली से आप लोगों को पता है फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये ज्यादातर इसका हिस्सा राजस्थान के अंदर में, वैसे गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैली हुई ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर मैं राजस्थान है, यहाँ पर मैं गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैली हुई है अरावली, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा तमिल आप लोगों का राजस्थान के अंदर में पड़ता है, अरावली का राजस्थान के अंदर में। तो आप लोगों की सी की जो जोड़ी है वो वन के साथ में लगने वाली है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक लगाओ यहाँ पर मैं, डिंग 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 डिंग, तो आंसर जो है आप लोगों का ए के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है, एग्जाम में भी आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलोगे और सही आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है? इससे आपका प्रेशर भी कम रहेगा आप लोगों के ऊपर में।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप लोगों की विंध्या की पहाड़ियां, विंध्या हिल्स कहां पर, मैं यहां पर मैं मध्य भारत के अंदर में विंध्या की पहाड़ी, अगर आप लोगों को पता हो विंध्याचल जिसको बोला जाता है मध्य भारत के अंदर में, तो सी की एक ही जोड़ी दो के साथ में लगने वाली है आप लोगों की। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर में है, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक और केरल इन तीनों के संगम के ऊपर में है ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, आंसर होगा आप लोगों का बी का चार, और झारखंड राजमहल। मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहां पर मैं देखिए आप लोग राजस्थान के अंदर में, यहां पर मैं अरावली रेंज है, ठीक है, मैप के ऊपर में आप लोग देख सकते हो, यहां पर मैं है आप लोगों की विंध्या रेंज, झारखंड के अंदर में है राजमहल हिल्स, ठीक है, कोशिश कीजिए यहाँ पर मैं देखने की, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं झारखंड के अंदर में राजमहल हिल्स है आप लोगों की, और ये नीलगिरी की पहाड़ी आप लोग देख सकते हो कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन तीनों के संगम पर है। तो भाई वहां पर मैं करना आप लोगों को तमिलनाडु दिया था, आप लोगों ने लगा दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। किसी को कोई डाउट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के अंदर में, मैप चाहिए तो मैप मैं आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, मैं मैप आप लोगों को दे दूंगा, मैप आप लोगों को दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार लिख दो आप लोग, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं लिख दो कि राजमहल की पहाड़ियां कहां पर में है, राजमहल बताओ जल्दी से, राजमहल की पहाड़ियां कहां पर में कमेंट में लिख दीजिए, और एक एक करके अगर हो सके तो ये यहां पर मैं लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सारी की सारी चीजों को। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों के इसका आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश का पहला कानून अधिकारी या फिर फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का पहला कानून अधिकारी किसको कहते हैं, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग, और आप लोगों की तरफ मैं पोल भी जा चुका है, जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं यहां पर मैं, ओके। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसको कहते हैं हम लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल को, लॉ मिनिस्टर को, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल को, किसको कहते हैं। यहां पर मैं आप लोगों का स्प्लिट वर्डिक्ट अब तक आ रहा है, अलग अलग आंसर्स लगा रहे हैं ए और बी, ठीक है, कुछ लोग सी भी आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, तो देखते कितने लोग यहां पर मैं आंसर लगा पाते हैं जी। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि भारत का पहला लॉ ऑफिसर, प्रथम विधि अधिकारी किसको कहा जाता है, तो अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी। इसका आर्टिकल आप लोग बताएंगे मुझे, मैं लास्ट में जितने भी आज आर्टिकल आप लोगों को याद कराऊंगा लास्ट में, सब लोगों से पूछू कितने लोग रेडी है कि सर लास्ट में पूछ लेना, जितने भी आर्टिकल आज बताऊंगा सारे लास्ट में पूछू आप लोगों से, रेडी हो आप लोग बताने के लिए, लास्ट में रुकना आप लोग और कमेंट में फिर आंसर करना, मुझे बताना, मैं एक एक आर्टिकल आप लोगों से पूछूंगा जो जो आज कराऊंगा आप लोगों को। चलो ठीक है, रेडी, चैलेंज एक्सेप्टेड। ऐसे ही अपन लोग यहां पर में क्या करेंगे, ठीक है, टारगेट ले लेके पढ़ाई करेंगे अपन लोग यहां पर में। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 76 है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है, ये केंद्र सरकार का वकील होता है, अगर आप लोग इसको इस तरीके से भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, केंद्र सरकार का वकील। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल 16वें नंबर के जो अभी अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकट रमणी, ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको लिखेंगे सभी लोग, ये वाला पॉइंट सभी लोग लिखेंगे, ठीक है, 16वें नंबर के महान्यायवादी कौन है, जल्दी से लिखो आप लोग, सभी लोग, सभी लोगों को लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। आर वेंकट रमणी जो है ये आपके क्या है, अभी फिलहाल में अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कितनेवें नंबर के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, तो 16वें नंबर के है, ये भी याद रख लेंगे आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो है नेक्स्ट वीक से, मतलब मंडे से आप लोगों का जो है वो कोर्स के अंदर में भी पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी बच्चे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं वो लोग जल्दी से वहां पर एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मंडे से वहां पर आपका पॉलिटी भी स्टार्ट होगा। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग सभी लोग। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चुनाव नहीं होता, ठीक है, इसका चुनाव मतलब ये चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन फिर भी संसद में भागीदारी ले सकता है, संसद के अंदर में जाके बैठ सकता है, इसकी इच्छा होंगी कल जाके कि भाई मैं तो चला यार, ठीक है, बढ़िया से मस्त पैकी यहां पर मैं जो है, गर्मी लग रही है, दानिश सर का लेक्चर देखना है,
संसद भवन में जाऊंगा, एसी के अंदर में बैठ के दानिश सर का लेक्चर देखूंगा करके संसद में जाके बैठ सकता है। संसद में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है इसके पास में। इसके अलावा भारत के किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार है इसके पास में, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वोट नहीं कर सकता ये संसद में जाकर, वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद में जाकर बैठ सकता है भारत के किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे छोटा सा छोटा कोर्ट हो, उसके अंदर में जाके बैठने का अधिकार इसके पास में है। बात की गहराई को समझो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास में संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाकर बैठने का अधिकार है, ठीक है, ये याद रखना है। वोट नहीं कर सकता लेकिन बैठने का अधिकार है, वहां पर मैं बहस सुन सकता है। दूसरा, भारत के किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार है इसके पास में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल नंबर 76 है, ये सारी चीजें याद रखनी है आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये आंसर कर दो आप लोग, मजा आ जाएगा। चलो क्या बात है, 1500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स यहां पर मैं हमारे साथ में, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। इसका आंसर कीजिए आप लोग, देखते कितने लोगों को पता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी, मतलब बात क्या हो रही है यहां पर मैं, बात यह हो रही है कि मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कौन सी वाली श्रेणी है, सबसे साउथ में, इधर में, ये पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। आंसर्स आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, ए पे 51% लोगों ने आंसर किया था, अभी 48 हो गया है, ठीक है, बहुत ही तेजी से परसेंटेज ऊपर नीचे हो रहा है आप लोगों का, आंसर करते रहेंगे सभी लोग। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग लाइव है वही लोग पोल कर सकते हैं, अदरवाइज पोल नहीं होता, इसी वजह से लाइव आने की कोशिश किया कीजिए। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों का 47% अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं बी आंसर दिया है, अन्नामलाई, और कुछ लोगों ने आंसर दिया है नीलगिरी, ठीक है। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग, ए और बी के अंदर में लड़ाई चल रही है, ए और बी के अंदर में लड़ाई चल रही है, ठीक है। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है फ्रेंड्स कि दो लोगों की लड़ाई के अंदर में कोई तीसरा ही लेकर चला जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ए का आंसर लगाया है कितने प्रतिशत लोगों ने, 42% लोगों ने, ठीक है। बी का आंसर लगाया है 47% लोगों ने, सी का आंसर लगाया है 7% लोगों ने, ठीक है, और डी का आंसर लगाया है 4% लोगों ने, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। केवल 7% लोगों ने आंसर लगाया, सबका गलत हो गया, मैक्सिमम लोगों का, केवल ये जो 7% लोग है, 7% लोग है, वो ही लोग सही है। यहां पर मैं बोला है सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है आपकी, सबसे सदर्न मोस्ट श्रेणी, ठीक है। मैप के थ्रू दिखाता हूं आप लोगों को, आ जाइए यहां पर मैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, ये देखिए हमारा भारत, ठीक है। दक्षिण भारत की तरफ में आप जाओगे तो यहां पर मैं आप लोगों को मिलेंगी नीलगिरी की नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे में यहां पर मैं अन्नामलाई, वैसे ये यहां पर मैं दिखाया गया है, मतलब नाम लिखते लिखते वो तमिलनाडु में चले गए, लेकिन है वो केरल के अंदर में, अन्नामलाई, ये यहां पर मैं अन्नामलाई केरल के अंदर में, ये यहां पर मैं, ठीक है, यहां पर मैं इस जगह पे, यहां यहां, ओके। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, कार्डमम हिल्स सबसे दक्षिण में है, इलायची की पहाड़ियां बोला जाता है वहां पर में, मसाले स्पेशली इलायची वगैरह बहुत ज्यादा उगाई जाती थी वहां पर में, इसी वजह से इसको इलायची की पहाड़ियां भी बोला जाता है। थोड़ा सा मैं इधर साइड में आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं देखिए, यहां पर आपको अन्नामलाई बढ़िया से केरल के अंदर में दिख रहा है, यहां पर मैं अन्नामलाई, और सबसे नीचे में है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां। तो कार्डमम हिल्स सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ये सबसे दक्षिणतम पहाड़िया पहाड़ी श्रृंखला है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगले बार से याद रहेगा, सभी को याद रखेंगे, जल्दी से मेरे को बता देंगे कि जी हाँ सर नेक्स्ट टाइम से याद रहेंगे, और एक बार लिख भी दो आप लोग सभी लोग कि भाई सदर्न मोस्ट रेंज या दक्षिणतम पर्वत श्रेणी भारत की कार्डमम है। कार्डमम का मतलब भी होता है इलायची, ठीक है, आप लोग डालते हो ना यहाँ पर मैं, ठीक है। आप अपने मम्मी को बोलना, मम्मी एक कार्डमम डाल के यार एक चाय बना दो कड़क वाली, आपके मम्मी बोलेंगे क्या डाल के बना दो तुझे, ठीक है, उनको अगर नहीं समझ रहा होगा तो, ठीक है, बोला इलायची, आज ही दानिश से सुन के आया कि कार्डमम मतलब जो है आपका इलायची होता है करके। चलिए तो सबसे नीचे में है कार्डमम, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी ये मैप आप लोगों को चाहिए होगा फ्रेंड तो दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है DANISH SHEIKH उसके ऊपर मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आप लोगों से आज, ठीक है, मुझे आप लोगों से आज तीन सवाल पूछने हैं, बेसिकली तीन सवाल आप लोगों से रिलेटेड, जो हमारे फ्यूचर के लेक्चर्स की दिशा को बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा सकते हैं। तीन मेरे पास में आप लोगों के लिए इनिशिएटिव्स है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के जो है, जैसे ही हमारे यहाँ पर 1200 से ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां है? टोटल 12 अनुसूचियां है। ये तो आप लोगों को हमेशा याद ही रखना है, टोटल 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूचियों में से जो पहली अनुसूची है आप लोगों की, पहली वाली अनुसूची, उसके अंदर में दिया गया है भारत के राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका एरिया। तो भारत के राज्यों के नाम और उनके एरिया कहां पर में दिया गया है? पहली अनुसूची में, पहली सूची में। दूसरी अनुसूची के अंदर में वेतन दिया गया है। क्या दिया गया है दूसरी अनुसूची के अंदर में? वेतन। ये भी याद रखेंगे आप लोग, सैलरी और भत्ते, ठीक है। वेतन दिया गया है कि किसका कितना वेतन होगा, तो गवर्नर का कितना वेतन होगा वो दिया गया है दूसरी अनुसूची के अंदर में, लिस्ट बनाई गई है। भारत के उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट से उनके वेतन, इवन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनका वेतन, भारत के जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 148, उनका वेतन यहां पर में दिया गया है कि कितना होगा। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होगा वो दूसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, वो अलग से डिसाइड होता है, सेकेंड वाली, संविधान में उसके बारे में नहीं लिखा होता है, वो संसद डिसाइड करती है कि कितना वेतन देना है, वो संसद डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने यहां से, मेरे साथ साथ में रिवाइज करें, सभी लोग मेरे साथ में रिवाइज करो। पहला पॉइंट, हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है, बोलते जाओ, मुझसे भी बोलना है आप लोगों ने, ठीक है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है। पहले नंबर की अनुसूची के अंदर में भारत के राज्यों के नाम और उनका एरिया दिया गया है, भारत के राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका एरिया। दूसरी अनुसूची में वेतन दिया गया है, वेतन और भत्ते, ये आपका याद हो गया। वेतन और भत्तों के अंदर में मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके सबके सैलरीज वगैरह दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री की सैलरी उसके अंदर में नहीं है। प्रधानमंत्री की सैलरी अलग से डिसाइड होती है, ये याद रख रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है। प्रधानमंत्री की सैलरी अलग से डिसाइड होती है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको 12 के 12 अनुसूचियां याद करवा दूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, मैं आपको 12 के 12 अनुसूचियां जल्दी से करवा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 1000 के करीब करीब लाइक्स हो गए, जल्दी से आप लोग यहाँ पर मैं 1200 से ज्यादा लाइक का नंबर भी बढ़ा देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि मैं आप लोगों को और आप लोगों के लिए जो कुछ अनाउंसमेंट है वो भी आप लोगों के लिए कर दूं जल्दी से, ठीक है। तो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची मैंने आज आपको याद करवा दिया। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि पूरी 12 के 12 अनुसूचियां याद करवा दूं, तो मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट करके। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हाउ मेनी टाइम्स डिड महात्मा गांधी प्रिसाइडेड आईएनसी सेशंस, ठीक है। महात्मा गांधी कितने बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, आईएनसी के महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, देखिए। और आप लोग पूरी जो भी जानकारी आप लोगों के पास में वो भी आप लोग लिखते जाएंगे कमेंट में, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। तो गांधी जी जो है वो केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी ईयर कौन सा था और जगह कौन सी थी, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि महात्मा गांधी जो है वो कब बने थे अध्यक्ष, तो 1924 के अंदर में, 1924 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और कहां पर में बने थे? बेलगांव सेशन के अंदर में, बेलगांव, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, बेलगांव सेशन में बस एक ही बार बने हैं गांधी जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने बारदोली लिखा? बारदोली नहीं, बेलगांव है वो, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिंदास इंडियन तो बेलग्रेड लिख रही है, बेलग्रेड, अरे वो कहा यहाँ पर मैं आपका भारत और कहा आप बेलग्रेड पहुंच गए इधर में, यूरोप के अंदर में, यूरोप में जाके करेंगे क्या गांधी जी अधिवेशन, कुछ भी, ठीक है। चलिए, तो बेलगांव के अंदर में था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो महात्मा गांधी ने केवल 1924 के अंदर में अध्यक्षता की थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, आप लोग पढ़िए और आप बताइए, क्योंकि मुझे, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है, और जो बच्चा पूरा सेशन देखता है उसका फायदा तो जरूर होना ही चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चा पूरा अच्छा अपने तरफ से एफर्ट्स देता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग, जल्दी बताइए सभी लोग एकदम आंसर। आज ही पढ़ाया हम लोगों ने इसको, ठीक है। देखो जितने भी लोग लेट होते हैं ना, प्लीज दानी शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो आप लोग, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। DANISH SHEIKH इसके ऊपर में, इसके अलावा टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा, ठीक है। और ये लोगो जरूर देख लेना उसके ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ज्वाइन कर लो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर कि भाई कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी भारत के संसद के अंदर में जा सकता है, 81% लोगों ने आंसर दिया है केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये
संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी ये फ्रेंड्स भारत के संसद के किसी भी सदन के अंदर में जा सकता है और बैठ सकता है, ठीक है, उसको रोक टोक नहीं है। इवन ये भारत की किसी भी न्यायालय के अंदर में भी जा सकता है, उसमें भी उसको कोई रोक टोक नहीं है, भारत के न्यायालय के अंदर में भी जाने की उसको अनुमति है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अभी बनाया थोड़ी देर पहले, फिर भी 81% लोगों ने आंसर किया है, मतलब रिवीजन की जरूरत है आप लोगों को। तो रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा जो है आपका होगा। जी क्या बात है, यहाँ पर मैं सुमित राज ने एक अच्छा लिखा है, भारत के करंट अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी। देखिए इसी वजह से बोलता हूँ कि रिवीजन करते रहा करो, लिखते रहा करो, आर वेंकट रमनी, वेंकट रमनी, ठीक है। कितने वे नंबर के हैं अभी, वो 16वें नंबर के हैं। ऐसे रिवीजन करते रहा करो, आप लोगों को फायदा होगा। क्या बात है, 1100 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, ठीक है। तो आर वेंकट रमनी जो है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, आप लोगों के ठीक है। 16वें नंबर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, आप लोगों को यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा वाला शहर स्थित है, कौन सा वाला शहर स्थित है, एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसी वजह से आप लोगों से बोल रहा हूं, यहां पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए एक्चुअली इसका मेंशन एनसीईआरटी के अंदर में है, ब्रह्मपुत्र नदी का जब जहां पर में दिया गया है ना, वहां पर में ये उल्लेख किया हुआ है। तो एग्जामिनर्स लोग क्या कर रहे हैं, उसी पॉइंट को उठा रहे हैं और उस पर क्वेश्चन बना दे रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट के ऊपर में कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ, ठीक है। देखिए आंसर जो है फ्रेंड्स, कानपुर का, भारत का अगर आप लोग रफ मैप भी देखोगे तो ये यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, यारलुंग सैंगपो के नाम से, दिहांग नदी के नाम से आप लोगों का एंटर करती है आसाम, आपके अरुणाचल प्रदेश में, फिर आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो कानपुर कहा और ये कहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और श्रीनगर भी कहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। लखनऊ, ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। तो आंसर होगा डिब्रूगढ़, ठीक है। आसाम का जो डिब्रूगढ़ है आप लोगों का, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट के ऊपर में लोकेटेड है। केवल 81% लोगों ने आंसर दिया, जबकि कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी का केवल ये भी पता होता तो भी आंसर कर लेते, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम जितने भी लोगों का गलत हुआ है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि बिल्कुल सही करे, और जिन लोगों का सही हुआ है कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। अगले बार से और अच्छे से आप लोगों को याद रहेंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, मेघालय का पठार किसका भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेघालय का पठार किसका विस्तार है, बताइए मेघालय का पठार किसका विस्तार है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आप लोगों का, मेघालय का पठार किसका विस्तार है। अब बात आती है यहां पर मैं मेघालय का है सर, वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा भारत का मैप अगर किसी को पता है तो उसको पता होगा कि यहाँ पर मैं मेघालय है हमारा भारत में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में मेघालय, और यहाँ पर मैं है हमारा जो है, ठीक है, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीप। तो ये हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा प्रायद्वीप, उसी का ये विस्तार है, मतलब उसी का ये एक्सटेंशन है। अगर उसको थोड़ा सा और बड़ा करके हम लोग बना दे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बना दे, तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों का ये बन जाएगा, उसी का एक्चुअली पार्ट माना जाता है मेघालय का पठार आप लोगों का। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये है आप लोगों का पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा पूरा का पूरा। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, और इधर साइड से पानी से घिरा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप, नीचे वाला दक्षिण भारत का जो हिस्सा है उसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। उसी का एक विस्तार है ये आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर में मेघालय का पठार। तो याद रखना प्लीज आप लोग कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। केवल 49% लोगों ने आंसर दिया था माइनॉरिटी के अंदर में, तो रिवीजन की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को बोलूं कि कभी भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता हूं, ओके। तो मेघालय का पठार ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है, उसी का भाग माना जाता है, ठीक है। चलिए नाउ, अब जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि आप लोगों के 1200 जैसे ही लाइक्स कंप्लीट होंगे, वैसे ही मैं आप लोगों से जो है एक इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों के लिए घोषणा करूंगा, ठीक है। तो 1200 लाइक्स कंप्लीट हो गए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी एक आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा एक, ठीक है, अगर आप लोग उसके लिए सहमत हो तो मैं फिर आप लोगों के लिए वो इनिशिएटिव भी लेता हूँ। फिर पहले इसका आंसर कीजिए आप लोग, आपको बताना है कि यहां पर मैं संविधान के अंदर में जो पार्ट्स दिए गए हैं भारत के संविधान के अंदर में,
ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान के अंदर में टोटल 25 भाग है, 25 पार्ट्स है, ठीक है, 25 पार्ट्स। कितने लोग चाहते हैं कि मैं पूरे के पूरे 25 पार्ट्स आपको याद करा दूं? कितने लोग चाहते हैं, पहली मेरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, कितने लोग चाहते हैं कि पूरे 25 पार्ट्स याद करवा दूं? अगर आप लोग चाहते हो कि 25 के 25 पार्ट्स याद करा दूं तो मुझे बताइए, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा था आप लोगों से कि 1200 लाइक के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा, तो एक्जैक्टली वहीं पे आके आप लोगों का 1200 हुआ भी है, ठीक है। तो 1200 हो चुके हैं, क्या बात है, 1300 के करीब हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का पूरे के पूरे पार्ट याद में आपको करवा दूंगा। देखिए अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं, भाग नंबर 1 की, तो भाग नंबर 1 के अंदर में जो है फ्रेंड्स भारत और उसकी टेरिटरी के बारे में बात की गई है, इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में, भारत और उसकी टेरिटरी के बारे में, ठीक है। संघ मतलब भारत, केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन और उसकी टेरिटरी, यहाँ यूनियन का मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है, यूनियन मतलब सरकार, हमारा देश, हमारा देश और उसका एरिया कितना है उसके बारे में बात की गई है पार्ट नंबर 1 में, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। भाग नंबर 2 जो है आप लोगों का, भाग नंबर 2 प्लीज इसको याद रखना आप लोग, भाग नंबर 2 के अंदर में नागरिकता के बारे में बात की गई है, नागरिकता के बारे में, भाग नंबर 2 के अंदर में नागरिकता के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि भाई 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल है, कौन भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक कौन नहीं होगा, ये भाग नंबर 2 के अंदर में दिया गया है। भाग नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने कि मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए आप लोग पहले। तीसरा नंबर का जो पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपका मूलभूत अधिकार, भाग नंबर 3 आपका मूलभूत अधिकार, तो मूलभूत अधिकार जो है फ्रेंड्स पार्ट नंबर 3 में 12 से 35 तक के आर्टिकल में दिए गए हैं। भाग नंबर 4 जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आपको पता होना चाहिए ये हमने कहां से लिया था, अगर जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन लोगों को पता होगा ये आयरलैंड से लिया गया है, ये मैंने आपको बताया था आयरलैंड के संविधान से हमने इसको बोरो किया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के जो पार्ट है आप लोगों के, वो जो आर्टिकल से वो इसमें दिए गए हैं, और आर्टिकल नंबर ये जो भाग नंबर 4A है आपका, भाग 4A इसमें केवल एक आर्टिकल है आपका, केवल एक, भाग नंबर 4A ये जबरदस्ती जोड़ा गया है बाद में, 4 और 5 के बीच में एक भाग जोड़ा गया है जबरदस्ती, 4A ये डील करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के से रिलेटेड, ये 42 से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज मूलभूत कर्तव्य, ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है आपके भाग 4A के अंदर में जोड़े गए हैं, ठीक है, भाग 4A में। और भाग नंबर 5 के अंदर में क्या दिया है आप लोगों को, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 151 तक का है, यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के बारे में जानकारी भाग नंबर 5 में दी गई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे सभी लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, आंसर देखकर नहीं करना है आप लोगों ने, आंसर आप लोगों ने बता के यहां पर मैं सोच समझ के करना है, ठीक है, कि आपके हिसाब से कौन सा वाला सही है। देखो यहां पर मैं आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और वो आंसर गलत है तो क्यों गलत है, क्योंकि आपसे आपसे यहां पर मैं ये बोला गया है कि क्या है और क्यों है वो, ये भी बोला गया है आप लोगों से। देखो आप लोग जो है ना फ्रेंड्स एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करो आप लोग, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर है तो वो क्यों है ये भी आप लोग सोचोगे ना तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद होता जाएगा, ठीक है, क्या बात है। 1400 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, जितने भी लोग यहां पर में हमारे साथ में जुड़े हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो सिटीजनशिप के बारे में जानकारी दी गई है, पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूलभूत अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है, भाग नंबर 4 के अंदर में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आयरलैंड से हमने लिया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये मूल कर्तव्य जो है आपके, ये भाग नंबर 4A में दिया गया है, 4A में, सभी लोग लिखेंगे 4A में, ना कि 5 में। 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, यहां पर मैं 5 के अंदर में केंद्र सरकार के बारे में दिया गया है, केंद्र सरकार के बारे में जानकारी दी गई है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका केंद्र सरकार। तो 5 में, भाग नंबर 5 में केंद्र सरकार के बारे में जानकारी दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 4A में है। आज मैंने आप लोगों को जो 5 याद कराए हैं, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को और याद करवा दूं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, मैं आपको धीरे धीरे सारे के सारे जो है आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है, सारे के सारे जितने भी है आप लोगों के वो आप लोगों को याद करवाता चलूंगा मैं, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का भाग नंबर 5 के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार के बारे में जानकारी दी गई है, भाग नंबर 6 में क्या दिया होगा फिर,
अगर 5 में यूनियन गवर्नमेंट दी गई है तो 6 में किसका दिया होगा? राज्य सरकार के बारे में सभी लोग लिखेंगे। भाग नंबर 6 में राज्य सरकार के बारे में जानकारी दी गई है। मेरे को आपको पूरे के पूरे 25 के 25 याद कराऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर में। पूरे रोज हर रोज जो है 12 बजे लाइव आ जाया करो, आप लोगों को सारा याद करवा दूंगा। स्क्रीनशॉट क्या देना है, क्या नाम था पता नहीं, ऐसे कोई नाम था, दानिशिक के ऊपर मैं पूरा शेयर ही कर दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, ये याद रखना। सभी लोग लिख देंगे भाग नंबर 6 में राज्य सरकार है आप लोगों का। ठीक है, हमारे भारत के संविधान के अंदर में भाग नंबर 7 नहीं है। ठीक है, तो भाई ऐसा समझ लो धोनी जो है, धोनी का लकी नंबर है ना 7, तो आप ऐसे याद रख लो कि भाग नंबर 7 को हमारे संविधान की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे भारत के संविधान को पढ़ेंगे आप लोग, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5, 6, अरे डायरेक्ट 8 आ गया, 7वां आ गया, 7वां हटा दिया गया है। भारत के संविधान के अंदर में भाग नंबर 7 नहीं है अब, पहले था लेकिन 1956 के अंदर में उसको डिलीट कर दिया गया है। उसमें कुछ अलग प्रकार के राज्य थे जिनको कुछ सुविधाएं दी गई थी, उनको शामिल किया गया था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, ये याद रखना है। तो कौन सा वाला भाग नहीं है भारत के संविधान के अंदर में आज की डेट में? तो भारत के संविधान के अंदर में भाग नंबर 7 नहीं है। भाग नंबर 8 के अंदर में केंद्र शासित प्रदेश है। तो 5, 6 और 8, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मेरे साथ में रिवाइज करो सभी लोग, सभी लोग मेरे साथ में रिवाइज करेंगे यहां पर मैं। ठीक है, भाग नंबर 5 के अंदर में केंद्र सरकार, भाग नंबर 6 में राज्य सरकार, और भाग नंबर 8 के अंदर में यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, बाकी 9, 10 आप लोगों को आगे मैं याद करवाता चलूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये याद हो गया इतना आप लोगों को, आगे में देखते हैं हम लोग। आपको बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा हिस्ट्री के परिपेक्ष के अंदर में। 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है आप लोगों का। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग यहां पर मैं देख रहे हैं, और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। भाग नंबर 7 के अंदर में राजन कुमार जी हमारे कुछ राज्यों को ए बी सी डी ऐसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। तो बी टाइप के जो राज्य थे, बी टाइप के राज्य मतलब के ऐसे राज्य जो राजे रजवाड़ों के हुआ करते थे पहले, ठीक है, उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे, वो श्रेणी ही खत्म कर दी गई क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो वो जो बी प्रकार के राज्य थे, ए बी सी डी टाइप के जो राज्य थे, उसमें से बी प्रकार के जो राज्य थे उनको डायरेक्ट डिलीट ही कर दिया, वो ए बी सी डी वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो जो 7वें नंबर का अनुसूची थी जिसमें वो बी टाइप के राज्यों की सूची थी, ठीक है, और उनके बारे में जानकारी थी, उन्हीं को खत्म कर दिया गया। तो 7 डिलीट कर दिया डायरेक्टली उन्होंने। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि कौन सा युग सबसे मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे बड़ा था। नहीं, क्रोनोलॉजिकल, ये यहां पर मैं ये छोड़ो, क्रोनोलॉजिकल काल क्रम में लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, काल क्रम में, काल क्रम में लगाना है आप लोगों ने, वो छोड़ो, काल क्रम के अंदर में। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स यहां पर मैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर में सबसे पहला था पैलियोलिथिक एज आप लोगों का, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण युग। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथ, इसी को आप लोग जो है मध्य पाषाण भी बोलते हो। ठीक है, मध्य पाषाण। फिर आता है नियोलिथिक एज, नौ पाषाण, और फिर बाद में मेगालिथ आया आप लोगों का। मैं आप लोगों को यहां पर मैं इसके एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखिए, हमारे मानव इतिहास का जो सबसे पुराना समय काल है, जब आप लोग नंगू पुंगू होकर घूमा करते थे पुराने जन्म में आपके, ठीक है, आपके करीब 1 लाख जन्म पहले की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, याद करो आप लोग। ठीक है, पत्ते पहनकर यहाँ पर मैं इधर उधर घूम रहे थे झिंगा लाला हु करते हुए आप लोग, ठीक है, पैलियोलिथिक एज के अंदर में, याद आया? तो पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण युग आपका सबसे पुराना समय काल है, ये सबसे पुराना मानव इतिहास का सबसे पुराना वाला समय काल, और सबसे लंबा भी यही है। अगर सबसे लंबा समय काल पूछ लिया जाए तो यही है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में मेसोलिथिक एज आता है आप लोगों का, इसी को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ, क्योंकि यहां पर में छोटे छोटे हथियार इस्तेमाल होते थे, लघु पाषाण बोलते हैं इसको, लघु पाषाण, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता था इसमें हथियार बनाने के लिए। तो मध्य पाषाण को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है, मतलब मध्य पाषाण के अंदर में ही माइक्रोलिथ या छोटे छोटे पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। यही पे पर्यावरण में चेंज देखने के लिए मिले थे आपको, पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म हो गया था थोड़ा सा। फिर आता है नौ पाषाण, जिसमें आपने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, आप लोगों ने जो है पहिए का इस्तेमाल किया, ठीक है, आपने पहली बार जो है
धीरे धीरे मेटल्स के बारे में सीखा आप लोगों ने, ठीक है, कॉपर या तांबा जो था मेटल उसका इस्तेमाल आप लोगों ने किया, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या फिर उसी को माइक्रोलिथ आप लोग बोल सकते हो, फिर नियोलिथिक, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथ या मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, मध्यपाषाण और नियोलिथिक नवपाषाण। अब ये मेगालिथ क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं नियोलिथिक एज के बाद में कुछ समय काल ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलता है जहां पर मैं कुछ लोगों को जब कब्र में दफनाया जाता था, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा राजू है, इसको कब्र में दफना दिया गया, तो उसके आसपास में ऐसे बड़े बड़े से पत्थर रख दिए जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े से ऐसे पत्थर रख दिए जाते थे दफनाने के बाद में कब्र के पास में, जो बड़े बड़े से पत्थर रख दिए जाते थे इन्हीं को मेगालिथ, क्योंकि मेगा का मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे कब्र को दफनाने दर्शाने के लिए, ठीक है, बिग स्टोन्स को रख दिया जाता था बिल्कुल। तो ये आप लोगों का मेगालिथ, नियोलिथिक के बाद का समय काल है वो आपका, नियोलिथिक के बाद का, इसी वजह से ये सीक्वेंस आपका सही है। तो प्लीज इसको याद रखना, पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथ, नियोलिथिक, मेगालिथ, ये आपका एससीईआरटी के भी 6 स्टैंडर्ड की बुक में और एनसीईआरटी के भी 6 स्टैंडर्ड की बुक में, दोनों में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। चलिए गुड, नेहा भी दफना दो सर, नेहा को क्यों दफनाया यार अभी बेचारी, ठीक है, ये प्यारी सी बच्ची है, राजू दफन गया, वो लड़का ही दफनता है, कुछ नहीं पता तुमको, ठीक है, हर बार बेचारा लड़का ही मर जाता है आखिर में, ठीक है। मूवीज नहीं देखते क्या आप लोग, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है, ठीक है, बताइए यहां पर मैं, चलिए बताइए यहां पर मैं, 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में, ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे भारत के संविधान में अभी टोटल 25 भाग है, टोटल 25 भाग, ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ भाग याद करवा दिए हैं। 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन है आप लोगों का, 8वें तक का मैंने आपको याद करा दिया। अब बात करते हैं भाग नंबर 9 की, ठीक है, भाग नंबर 9 जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, पंचायती, ठीक है, राज, ये याद रखना है आप लोगों ने, पंचायती राज। तो भाग नंबर 9 ये आप लोगों का पंचायती राज से डील करता है, और ये कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तो भाग नंबर 9 भी आप लोगों को याद हो गया, मैं सारे के सारे रिवाइज करके आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है, पंचायती राज आप लोगों का, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों को याद हो गया है, ठीक है, मेरे साथ में कितने लोग रिवाइज करना चाहते हैं, 9 के 9 पहले 9 कितने लोग रिवाइज करना चाहते हैं, जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ, अभी के अभी याद करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, अगर रिवाइज करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में तो यही सब आएगा, तो एग्जाम में तो याद करना है। 1 के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, 1 के अंदर में क्या दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, जो यूनियन और उसकी आप लोगों की टेरिटरी, यूनियन और टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कि आप लोगों का, ठीक है, भारत का, भारत और उसके राज्य के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी आपको दी गई है। भाग नंबर 2 के अंदर में नागरिकता के बारे में जानकारी आप लोगों को दी गई है, नागरिकता के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है, नागरिकता। भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार आपको दिए गए हैं। भाग नंबर 4 के अंदर में आप लोगों को दिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से जो हमने लिया है। भाग नंबर 4A के अंदर में आप लोगों को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स आप लोगों का भाग नंबर 5, ठीक है, ये केंद्र से रिलेटेड है, केंद्र सरकार के जितने भी अधीन आते हैं उनसे रिलेटेड आपकी जानकारी दी गई है। 6वें के अंदर में किसकी बारे में जानकारी दी गई, राज्य के बारे में दी गई है, ठीक है। 7वां बताओ जल्दी से आप लोग, 8वां जो है फ्रेंड्स आप लोगों का केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के बारे में जानकारी दी गई है आपको, जैसे दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, पुंडुचेरी, ये सब जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में जानकारी भाग नंबर 8 में दी गई है। और 9 में क्या दिया गया है ये आप लोग बताएंगे 9 में, ठीक है। चलिए देखो आप लोगों को याद हो गया, कितने स्मार्ट बच्चे हैं यार, लोग बोलते हैं आपको याद नहीं होता, ठीक है, आप लोगों ने खुद याद करवा दिया, सारे के सारे आप लोगों ने बोल दिया। ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि 7वां वाला है ही नहीं, डिलीटेड है आप लोगों का, ठीक है, 1956 में उसको डिलीट कर दिया गया था। भाग नंबर 9 जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर में पंचायती राज दिया गया आप लोगों का, पंचायत, ठीक है, पंचायत, पंचायती राज,
ठीक है, ये 73rd संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था आप लोगों का, ठीक है, 1992 के अंदर में, ठीक है, 1992 में। देखो याद हो गया आप लोगों को, कितनी सिंपल सी बात है। चलिए इसी बात में जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1500 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिया है, ऐसे ही आप लोगों को याद करवा दूंगा मैं, ठीक है, सारा का सारा। नाउ ये आप लोगों ने देख लिया, भाग नंबर 9 के अंदर में पंचायत दिया गया आप लोगों को, पंचायत आर्टिकल नंबर 243A से लेकर, मतलब 243 से लेकर 243O तक के जो जानकारी है आप लोगों को वो इसके अंदर में दी गई है, ठीक है। चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है लोकसभा के अंदर में, ठीक है, ओके, लोकसभा के अंदर में कितनी अनुसूचित जाति है यहां पर मैं, अनुसूचित जाति के लिए बात यहां पर मैं एससी और एसटी की हो रही है, एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। अगर मैं एससी के लिए बात करूं आप लोगों से लोकसभा के अंदर में, तो लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए 84 सीट्स रिजर्व है। टोटल जो आप लोगों के 543 सीटों के ऊपर 543 सीट के ऊपर में जो चुनाव होता है उसमें से आपका 84 सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो इसके लिए 47 सीट्स रिजर्व है। टोटल आप लोग करके मुझे बता सकते हो कि कितने सीटें रिजर्व्ड है। ओबीसी के लिए कितनी सीटें रिजर्व होती है आपकी लोकसभा के अंदर में बताओ जल्दी से, ओबीसी के लिए बता सकते हैं कोई, ओबीसी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व्ड है, तो आपका आंसर यहां पर मैं ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी हो जाएगा। एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए बोलता तो 47। ओबीसी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, ये याद रखना है लोकसभा के अंदर में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हम लोग यहां पर मैं आप लोगों के, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत के अंदर में मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य जो वंश है उसका संस्थापक था, संस्थापक, ठीक है। तो इसका बेटा कौन था जो इसके बाद में राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। अरे यार ये पोल जब से चली रहे क्या आप लोगों का, दूसरा वाला पोल देता हूं मैं आपको, चलिए ए बी सी डी आप लोगों के पास में पोल भी आ गया है, पोल के थ्रू भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का, क्या बात है इतना तेजी से आप लोगों का ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, आंसर्स आप लोगों के बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग करते रहिए यहां पर मैं फ्रेंड्स। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है फ्रेंड्स इनके गुरु थे चाणक्य, आप लोगों को ये पता है चाणक्य की मदद से उन्होंने जो है वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। धनानंद करके एक राजा था यहाँ पर मैं मगध के अंदर में, धनानंद करके, ठीक है, उसकी सत्ता को हटा दिया था और उसकी सत्ता को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक समय ऐसा आया जब वो जैन धर्म को अपना लिया उन्होंने, और अपने बेटे बिंबिसार जो कि केवल 19% लोगों ने सही आंसर दिया है, बिंबिसार को सत्ता सौंप कर वो चला गया था, बिंबिसार, ठीक है, आप लोगों का यहां पर मैं आंसर आप लोगों का बिंदुसार, हाँ चलेगा भाई, ठीक है। तो बिंदुसार जो है उसको क्या हुआ था, सत्ता सौंप के चला गया था आप लोगों का। कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है यहां पर मैं, 59% लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। तो बिंदुसार जो है उसको उसने क्या किया था, सत्ता सौंप कर वो चला गया था, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मैं आप लोगों को बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों का है, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है यहां पर मैं बिंदुसार की, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, मुझे लगा डी में दिया है आप लोगों का, ए में दिया हुआ है वो, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है यहां पर मैं अशोका की, तो ये तीन आप लोगों को याद रखना है जो मौर्य वंश के थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिंबिसार कौन था ये याद रखेंगे आप लोग, मगध का पहला राजा था ये, मगध का, मगध महाजनपद का पहला राजा, फर्स्ट राजा बिंबिसार, वो अलग है, ठीक है। तो आंसर बिंदुसार होगा आप लोगों का, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का बेटा कौन था अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, बिंदुसार का बेटा अगर कौन था ये बोल दिया जाए तो अशोका था, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखना है मौर्य वंश से रिलेटेड, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। नाउ फ्रेंड देखिए आप लोग यहां पर मैं 68वें नंबर की बीपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में गरम गरम क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से हैंडल करना आप लोग इसको। बताइए
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये आप लोगों का 68वें नंबर की बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, अभी अभी 2023 के अंदर में जो हुई आप लोगों की, ठीक है। अगर आंसर ई रहा, ठीक है, आप लोगों का, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है फ्रेंड्स सिंपली कमेंट में आंसर कर दोगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट, कोई भी राज्य के अंदर में जो मंत्री परिषद होता है आप लोगों का, वो सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, गवर्नर के प्रति, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है, बताइए। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग यहां पर में, ठीक है। नेहा रानी, यहां पर मैं पार्लियामेंट कैसे होगा, यहां राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य का जो मंत्री परिषद होता है राज्य का, ठीक है, बिहार का ले लो आप, ठीक है, बताइए तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर मैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य के अंदर में जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी उनके चंगू मंगू है, जितने भी उनके मंत्री लोग हैं, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री और उनके जितने भी मंत्री परिषद में जितने भी लोग हैं, पूरा का पूरा मंत्री परिषद, ये पूरा का पूरा विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के प्रति। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। कितने 44% लोगों ने सही आंसर दिया है, केवल 44% लोगों ने, तो आप लोग समझ जाइए रिवीजन की जरूरत है, तो रिवीजन करेंगे हम लोग बार 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 इसको, ठीक है। राज्य की बात हो रही है यहां पर, मैं केंद्र की बात होती तो लोकसभा होता, ठीक है, पार्लियामेंट भी नहीं होता, लोकसभा होता, ठीक है, केंद्र के अंदर में, लेकिन यहां राज्य की बात हो रही है। चाहे मुख्यमंत्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बोल दिया जाए तो भी, क्योंकि भाई पूरा मंत्री परिषद अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, विधानसभा के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री क्या कोई नया नवेला है क्या, वो भी विधान, वो भी मंत्री परिषद का ही पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट अमंग द इक्वल है वो, तो वो भी किसके लिए, विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पूरा मंत्री परिषद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है उनकी, विधानसभा, विधान परिषद के प्रति नहीं होती, विधानसभा के प्रति होती है। अगर आपसे केंद्र सरकार किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। वहां आप देखना ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ऑप्शन में लोकसभा दिया है तो आपका आंसर लोकसभा होगा, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ये वाला जो है आप लोगों का पार्ट एक आर्टिकल नंबर 164 के अंदर में दिया गया है ये पॉइंट, कि भाई मंत्री, राज्य का मंत्री परिषद विधान, राज्य की विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और आर्टिकल नंबर 75 में, आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 उसके अंदर में दिया हुआ है कि जो केंद्र सरकार का मंत्री परिषद रहेगा वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। चलिए कोई नहीं, आगे मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा वैसे, और भी जितनी भी चीजें आप लोगों की, ठीक है, हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करा ही देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों का, ठीक है। एक क्वेश्चन था आप लोगों का, उसको देख लो आप लोग, शायद आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अब यहां पर मैं देखना आप लोग, चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो किस, कौन से वाले मंत्री परिषद की बात हो रही है ये आप लोग इसी में समझ जाएंगे। ध्यान से देखो, उसने क्वेश्चन में नहीं बताया आपको कि कौन से मंत्री परिषद के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कौन से मंत्री परिषद के बारे में बात कर रहा है उसने ऑप्शन में, क्वेश्चन के अंदर में आपको नहीं बताया। अब अंडरस्टैंडिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की डेवलप हो चुकी है ना, डेवलप हो चुकी है आपकी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, लोकसभा, ठीक है, ये बोला है, मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं, क्योंकि विधानसभा दिया नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो आंसर, मंत्री परिषद जो है फ्रेंड्स किसके प्रति होता है, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3, ठीक है, सब क्लॉज 3 इसके अंदर में, आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 के अंदर में साफ साफ बताया गया है कि मंत्री परिषद जो है आप लोगों का लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर में, हो सकता है जनता लगा दे अगर आपको बताया नहीं होता मैंने तो, ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, और राज्य का मंत्री परिषद जो है आप लोगों का वो विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं, तो प्लीज इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि मुख्यमंत्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो मुख्यमंत्री आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री जो है वो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो मुख्यमंत्री है आप लोगों का, ठीक है, वो भी राज्य की विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रधानमंत्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अब मंत्री परिषद पूरा लोकसभा के लिए है तो
प्रधानमंत्री भी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना, ठीक है, वो भी तो मंत्रिपरिषद का पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का निर्वाचन होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कांग्रेचुलेशन फ्रेंड, 1700 से ज्यादा लाइक्स आपके हो चुके हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2200 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक घोषणा करना चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि हर क्लास के बाद में मैं आप लोगों को एक टेस्ट की लिंक दूं, टेस्ट लिंक, ठीक है, जिससे कि उस क्लास के अंदर में जितना भी मैंने पढ़ाया है, जैसे मैं 5 बजे वाली क्लास में देता हूँ, जितने भी बच्चे 5 बजे वाली क्लास में मेरी 5 बजे वाली क्लास देखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं क्लास के बाद में आपको एक टेस्ट देता हूँ, टेस्ट की लिंक, जो पढ़ाया हुआ होता है ना उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसको मतलब उसको रिवीजन के लिए एक लिंक देता हूँ, आप लोग आपका स्कोर देख सकते हो कि आपने कितना सीखा। लेकिन वो किसके लिए होता है? केवल जो बच्चे लाइव आते हैं उन्हीं को मिलता है, लाइव में वो लिंक प्रोवाइड करता हूँ लाइव ही, ठीक है, जो बाद में आते हैं उनको नहीं मिलता है। तो कितने लोग चाहते हैं वो मेरे को कमेंट करके आज बताएंगे आयु कितनी है, और न्यूनतम आयु 25 साल है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, लोकसभा के अंदर में। और इवन अगर मैं विधानसभा की बात करूं आप लोगों से, ठीक है, विधानसभा के अंदर में, तो विधानसभा के अंदर में भी ये कितनी है आप लोगों की, ठीक है, विधानसभा के अंदर में भी ये आप लोगों की 25 साल ही होती है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ सर दीदी, चलो ठीक है, देखते हैं कल से आप लोगों का, मैं देखूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, कितने लोग यहाँ पर मैं दे रहे हैं चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं टेस्ट की लिंक आप लोगों को कल से प्रोवाइड करके देता जाऊँगा। करते हो मान दीजिए, ठीक है, कि आप लोगों को जॉब देने में सरकार आना काना कर रही है, देर कर रही है, और आप लोग जो है अब बोले अब कुछ नहीं यार, अब तो पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, आप गए चुनाव लड़ने लोकसभा का, ठीक है, या फिर विधानसभा का, कोई भी ले लीजिए, चुनाव लड़ने के लिए गए। अब जब भी आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, जब भी आप नॉमिनेशन करते हो अपना, तब आपको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट करने पड़ते हैं आप लोगों को, जिसको जमानत कहा जाता है, जमानत मतलब पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ पैसे आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। अगर आपको इतने वोट नहीं मिले तो ये आपका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, ये जमानत जब्त हो जाएगी कहा जाता है, इतने वोट अगर आप लोगों को नहीं मिले तो, ठीक है, ये कंसेप्ट है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना न्यूज चैनल में कि भाई फलाना फलाना ढिमकाना है, ठीक है, उसकी जमानत जब्त हो गई, मतलब उसकी जमानत जब्त हो गई मतलब उसको जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं है। जमानत जब्त हो गई का मतलब सिंपल सा है कि भाई उसके जो पैसे उसने डिपॉजिट किए थे लोकसभा में, 25,000 रुपए डिपॉजिट करने होते हैं, तो वो पैसे उसके गए, वो उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को खड़ा होने से रोका जा सके, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के यहाँ पर मैं आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए जितने भी वैलिड वोट्स पड़े हैं, जितने भी वैलिड वोट आए हैं, वैलिड वोट्स का मतलब होता है जो गिनती में लिए गए हैं वोट्स, जितने वोट पड़े हैं उनमें से अगर आपको 1/6 वोट, ठीक है, 1/6 वोट आप लोगों को नहीं मिलते, कम से कम 1/6, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है ना, मेरे को बताओ 1/6 का मतलब कितना परसेंटेज हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, तो 1/6 अगर आप लोगों को वोट नहीं मिले हैं जितने भी वोट पड़े उनमें से, तो आपका डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाएगा। तो यहां पर मैं 1/6 तो दिया ही नहीं है ऑप्शन के अंदर में, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर जो है, आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 7% लोगों ने आंसर दिया था, 7% लोगों ने, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1/6 होता है वो, तो केवल 7% लोगों ने आंसर दिया था। मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता रहूंगा ताकि आप लोग याद कर ले इन सारी चीजों को, इतने लोग चाहते रिवाइज करवा दूं मैं आपको, ताकि सारी की सारी चीजें आपको याद रहे। एग्जाम में रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ के सारे लोग जाते हैं, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना उसके अंदर में सिर्फ वही लोगों को याद आता है जिन लोगों को जिन्होंने रिवाइज किया हुआ होता है, ठीक है, तो 1/6 ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, चलिए 1/6, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, बीपीएससी 2017-18 में पूछा गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जो है हर एक बच्चे से चाहिए, मतलब देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर आप लोगों को बताया है यहाँ पर, मैं ये वाला इस क्वेश्चन को कंसेप्ट को पूरा समझाया है, ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे जो है बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, अगर ई ऑप्शन है तो आप लोग जो है कमेंट में आंसर करेंगे, बताइए एकदम झूम के यहाँ पर। मैं मेरे को दिखना चाहिए कि कमेंट का रेट जो है वो 2000 से भी ऊपर चला गया है, हर एक बच्चे ने यहाँ पर मैं आंसर किया है कमेंट में,
1800 से ज्यादा लाइक्स हो गए, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? कैबिनेट के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, नन ऑफ दी अबो, मोर देन वन ऑफ दी अबो। ठीक है, अब लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को, जो आप लोगों को नहीं, आप तो स्मार्ट स्टूडेंट हो ना, आप तो दानिश सर के स्टूडेंट हो, है ना, आप लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो लोग दानिश सर से नहीं पढ़े वो लोग लगाएंगे उपर्युक्त में से एक में से अधिक, उनको लगेगा पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो वो लगाएंगे ई। बट आप लोगों को पता है, ठीक है, जो भी दानिश सर के स्टूडेंट है उनको पता है कि आर्टिकल नंबर, ठीक है, 75(3) के अंदर में ये बात साफ साफ बोली गई है कि भाई जो प्रधानमंत्री और जो पूरा मंत्री परिषद है वो किसके प्रति होगा रिस्पॉन्सिबल? लोकसभा के प्रति, ना कि पार्लियामेंट के प्रति। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लोगों का आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, बीपीएससी की आपके आंसर की के अंदर में भी। इसी वजह से मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम कॉमेडी वे में और अच्छे से डिटेल में जाकर अलग अलग तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए सारी की सारी चीजें। ये बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग करते रहिए फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक आर्टिकल और याद करा और चीजें जो है आप लोगों को याद कराना चाहूंगा। अगर कोई विधेयक, धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो चुका है, आपको पता है हमारी पार्लियामेंट जो है उसके तीन पार्ट है पार्लियामेंट के, एक है आप लोगों की जो है लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट होता है, ये पता है ना आप लोगों को, राष्ट्रपति संसद का पार्ट है। अभी तो बड़ा नई लोकसभा के उद्घाटन, नई राज्य हमारी संसद के उद्घाटन के समय में बड़ा हो हल्ला भी मचा था, तो राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है। मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई बिल पास कर, धन विधेयक पास कर दिया, धन विधेयक मतलब ऐसा विधेयक जिसके अंदर में पैसे की बात की गई हो, ठीक है, टैक्स लगाने बढ़ाने की बात की गई हो, धन विधेयक जो कि आर्टिकल नंबर 110 में है, इसमें ज्यादा अधिकार लोकसभा को दिए गए हैं। अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम कितने दिन तक रोक सकती है? मैक्सिमम 14 दिनों तक उसको रोक सकती है फ्रेंड्स। 14 दिन में अगर उसने पास नहीं किया तो उसको पास मान लिया जाएगा। इसमें राज्यसभा की ज्यादा नहीं चलती, लोकसभा की चलती है धन विधेयक के मामले में, जो भी मनी बिल होता है। तो मनी बिल अगर लोकसभा ने एक बार पास कर दिया, पहले उसको लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। पहली बात तो मनी बिल कहां पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं ला सकते उसको मनी बिल को, धन विधेयक। बाकी कोई दूसरा है तो कहीं पे भी ला लो, लेकिन अगर मनी बिल है तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा ने एक बार पास कर दिया फिर वो जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक उसको रोक सकती है, मैक्सिमम 14 दिन तक। अगर 14 दिन में उसको पास नहीं किया तो उसको अपने आप पास मान लिया जाएगा राज्यसभा से, अपने आप पास मान लिया जाएगा। तो ये आंसर आप लोगों का होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। चलिए, 14 दिन याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसके बाद में कितने लोग चाहते हैं कि मैं रिवाइज करवा दूं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट वाली चीज, ठीक है, आप लोगों से मैंने कहा था, ठीक है, आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को जितने भी आर्टिकल्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं वो रिवाइज करवा दूंगा। तो जितने लोग चाहते हैं वो यहाँ पर मैं रुकेंगे और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा करवा दूंगा अच्छे से। 74th नंबर के संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 1992 में कौन सा वाला भाग जोड़ा गया था, यह बता रहे आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 1900 प्लस लाइक्स। 4th नंबर का संविधान संशोधन, ये भी 1992 में हुआ था। इसको 73rd से कंफ्यूज मत होना, 73वें नंबर का संविधान संशोधन अलग है, 74वां अलग है, दोनों साथ में हुए थे। ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, शहरी निकाय जो है उससे रिलेटेड है, और 73वें नंबर का जो पंचायती राज से रिलेटेड है। 73rd के जरिए हमारे भारत के संविधान के अंदर में पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था, पार्ट नंबर 9, ठीक है, और 74th के जरिए पार्ट नंबर 9A जोड़ा गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब आप लोगों को देखिए, मैं पार्ट नंबर 9A भी याद करवा दिया कि पार्ट नंबर 9A किससे रिलेटेड है आप लोगों का, ठीक है, पार्ट नंबर 9A, ये याद हो गया आप लोगों को, सिंपल सी बात है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों ने आंसर किया है? केवल 57% लोगों ने आंसर किया है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज कराऊंगा ना आप लोगों को, तो यहाँ पर मैं 90+% लोगों आंसर करेंगे यहाँ पर मैं, सही आपका। तो पार्ट नंबर 9A है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पार्ट नंबर 9A, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट मैं आप लोगों से जो है एक पहले तो एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मैं सारी चीजें कराऊंगा। मेघालय का प्लेट्यू जो है किसका एक्सटेंशन है, ये आप लोग मेरे को सभी, जितने बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है वो इसका आंसर कर पाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। उसके बाद